Good morning, students. So let us start. Question number 5 of exercise 6.2. The question is find the sum. You have to find the sum. Same. वैसे ही है जैसे आपने question number 4 में किया था. Okay. So let us start. A minus 7 plus minus 9 plus 4 plus 16. So first of all, open the bracket. सबसे पहले आपने क्या करना है? Bracket को open करना है. तो वो कैसे करेंगे? जहां पर आपके two sign लगे आ रहे हैं, उनको आपने single sign देना है. Clear? अब इसके बाहर there is no sign. Means कि ये plus है. Clear? तो आपके पास क्या रहता है? Plus और minus. Different sign आ रहे हैं. तो आपके पास 7 आ गया. Now here is plus minus. जब आपके पास two different sign multiply होते हैं, then minus 9. Okay? Here is plus का 4. Now you have to add the negative integers and positive integers separately. आपने minus minus को आपने plus करना है और plus plus को plus करना है. So minus का 7 और minus का 9 plus करके minus के कितने बने? 16. और plus का 4 plus का 16 आपके पास plus के कितने बने? करें जब इसको plus that is 20. Okay? अब आपके पास एक माइनस की है और एक क्या है आपके पास प्लस की. तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे क्योंकि आपके पास डिफरेंट साइन आ रहे हैं. तो आपने क्या करना है? माइनस. तो माइनस करके 4 आया. तो साइन किस चीज का लिखेंगे? जो बड़ी रकम है. बड़ी क्या है आपकी? पॉजिटिव. सो राइट हियर प्लस. सो दिस इज योर आंसर. आप इसको दूसरे इसमें भी आप कर सकते हैं. जैसे माइनस के 16 जो है वो क्या किया आपने? 20 में से निकाल दिए. तो माइनस के 16 20 में से निकालेंगे तो 20 के पास कितना रह जाएगा? 4 रह जाएगा. क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट. इन बी पार्ट 37 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 65 प्लस हियर इज माइनस 8. सो यू हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट. हियर इज प्लस 37. नाउ डिफरेंट साइन. सो डिफरेंट साइन मींस माइनस 2. हियर इज आल्सो डिफरेंट साइन. सो राइट हियर माइनस 65. नाउ हियर इज अगेन डिफरेंट साइन. सो राइट हियर माइनस 8. जब आपके डिफरेंट साइन आते हैं तो आप क्या करते हैं? माइनस करते हैं. अब आपके पास एक प्लस का कितना है? 37. ओनली वन नंबर इज पॉजिटिव. एक ही नंबर पॉजिटिव है तो आपने वही लिखना है. अब आपके पास 3 नंबर्स आपके क्या आ रहे हैं? नेगेटिव के. तो तीनों नंबर्स को आपने क्या करना है? ऐड करना है. तो आपके पास 8 प्लस 2 कितने बन गए? 10. और 10 प्लस 65 कितने बन गए आपके पास? 75. तो माइनस 75 माइनस के आपके पास 75 आए. क्लियर? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को आपने माइनस नहीं करना है क्योंकि ये सेम साइन आ रहे हैं. तो जब सेम साइन आता है तो उन चीजों को आप क्या करते हैं? उनको आप प्लस करते हैं और साइन उन्हीं का लिखते हैं. नाउ दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. अब एक प्लस की है एक माइनस की है तो आप क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे. सो सब्ट्रैक्ट दिस नंबर देन वी गेट 38. और 38 आपका प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? आप देख सकते हैं कि आपके पास बड़ी रकम जो है वो किसकी है? माइनस की. सो इसका आंसर इज माइनस. ओके? सो दिस इज योर आंसर. और दूसरे उसमें आप कैसे कर सकते हैं?